खिमलासा रोड स्थित श्री राम कथा में आज भी लगा दिव्य दरबार। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के चमत्कारों से भक्तों ने दबाई दांतों तले उंगलियां। चमत्कार देखें लाखों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। दरअसल खिमलासा रोड पर श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के श्रीमुख से श्री राम कथा का वाचन किया जा रहा है, जहां पर आज दूसरे दिन भी दिव्य दरबार का आयोजन किया गया, जहां पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जहां पर बागेश्वर धाम के चमत्कार से भक्तों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। महाराज ने बाहर से आए युवक के कई राज खोल दिए, तो वहीं 23 वर्षीय युवती जो चलने से मोहताज थी और असहनीय पीड़ा से जूझ रही थी, लेकिन बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से युवती को पीड़ा से मुक्त कर दिया गया और वह बागेश्वर धाम के जयकारों के नारे लगाते हुए पैदल गई। वहीं बागेश्वर धाम के चमत्कार के आगे भूत प्रेत से भी पीड़ित महिलाएं भी झूम उठी, जिसके चलते शास्त्री जी महाराज भी भीड़ में पहुंच गए और अपने हाथों से श्रद्धालुओं को भभूति वितरित की और आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने कई प्रदेशों से आए भक्तों की अर्जी पर सुनवाई की। भीड़भाड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन के अधिकारी और जवान बड़ी संख्या में सजग नजर आए। इस बार